जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। तो जिनकी यहाँ संपदा की कमी होती है, वैभव की कमी होती है, लक्ष्मी की कमी होती है, प्रतिष्ठा की कमी होती है, धन की कमी होती है, उसके लिए ओम नमः शिवाय। दोस्तों, हर हर महादेव। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अब पंडित प्रदीप मिश्रा जी के मुख से अच्छी उपाय के बारे में जानिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य के बाद अगर हम बेलपत्र को तोड़कर शंकर भगवान को समर्पित करते हैं तो शिव उसे स्वीकार नहीं करता। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। फूल सूर्य की किरण निकलती है, प्रकाश थोड़ा सा हो जाता है, थोड़ा सा उजाला हो जाए, और रात्रि सूर्य अस्त के पहले पुष्प को हम तोड़ सकते हैं, फूल हम तोड़ सकते हैं। बेलपत्र सुबह से लेकर दोपहर तक हम तोड़ सकते हैं, पर दोपहर के बाद में अगर मेरा बेलपत्र पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, द्वादशी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति, ये ऐसे पर्व हैं जिस दिन बेलपत्र को नहीं तोड़ा जाए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, द्वादशी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति, ये वो पर्व है जिस पर बेलपत्र को नहीं तोड़ा जाता। पुरानी बेलपत्र एक महीने पुरानी भी रखी है, पुरानी बेलपत्र मंदिर के बाहर भी अगर निर्माल्य में उतरी हुई बेलपत्र किसी डलिया में पड़ी है, बहुत सारी बेलपत्र अगर किसी ने ले जाकर निर्माल्य को कहीं ले जाकर पटक भी दिया है मंदिर के कोने में, वहां से बेलपत्र उठा लो, उसको धो लो, साफ कर लो, वापिस ले जाकर महादेव को चढ़ा दो, वो स्वीकार कर लो। पशुपति व्रत कर रहे हो, चतुर्थी पड़ गई, अष्टमी पड़ गई, द्वादशी पड़ गई, बच्चों से मत कहो कि बेलपत्र तोड़कर लाओ, बच्चों से कहो जाओ शंकर जी के मंदिर में, कहीं डलिया में कहीं एकाध दो बेलपत्र भी, एक बेलपत्र भी अगर कहीं साइड में पड़ी हो उसको उठा लाओ, धो, बाबा के थाली में रख लो और पशुपति व्रत पर भी चढ़ा दो। दोपहर के बाद में पूजन करने जा रहे हो, बेलपत्र दोपहर के बाद ना तोड़वाइए। फूल सुबह प्रकाश होने से लेकर रात्रि को शाम को जब सूर्य अस्त हो उसके पहले फूल आप तोड़ लो, मना नहीं है, दिन भर का समय आपके पास है, पर रात्रि में फूल नहीं तोड़ा जाता। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, हर हर महादेव। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। भगवान पर समर्पित कोई प्रसाद शिव जी को चढ़ाया गया, कोई प्रसाद रात भर नहीं रखना चाहिए। आप लोग तो संकट सोमवार अगर किसी ने करे हो, किसी ने करे संकट सोमवार या 16 सोमवार, हाथ उठाओ किस किस ने करे हैं, पहले करें आप लोगों ने, रखो। जो लोग 16 सोमवार करे हुए होते हैं, संकट सोमवार करे हुए होते हैं, उनको मालूम होता है, उनके स्मरण में रहता है कि हर हर महादेव। संकट सोमवार का जो प्रसाद होता है उसको रात भर नहीं रखते, उसका कारण स्कंद पुराण में भी कहा गया, उसका कारण सुमह पुराण में भी वर्णन किया गया। शंकर भगवान का प्रसाद, शिव जी का प्रसाद अगर जितना जितना अंधेरा बढ़ते चले जाता है, जितना जितना रात्रि होती चली जाती है, और दूसरा दिन अगर लग जाता है तो उस प्रसाद पर आपका हक नहीं रहता, उस प्रसाद पर फिर चंड का हक हो जाता, फिर उनके गणों का हक हो जाता, फिर आपका हक समाप्त। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव। आपका स्वागत है हमारे यहाँ। एक तो बेलपत्र दोपहर के बाद ना तोड़िए, दूसरा पुष्प रात में ना तोड़िए, तीसरा चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, द्वादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, चतुर्दशी,
संक्रांति, इस पर बेलपत्र ना तोड़िए। मंदिर की चढ़ी हुई कहीं रखी हुई, कहीं अगर निर्माल्य में भी कहीं ले जाकर पड़ी है वो भी समर्पित कर सकते हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं जो भी कथा बताती हूँ पूज्य गुरु जी की कथा सुनकर समझकर और बताती हूँ। अपनी कथा में पूज्य गुरु जी ने यह बताए हैं कि बेलपत्र को कब तोड़ना चाहिए, फूल को कब तोड़ना चाहिए, इस उपाय को अपनी कथा में गुरु जी ने बताए हैं। दोपहर के बाद बेलपत्र को नहीं तोड़ना चाहिए, फूल को शाम के समय नहीं तोड़ना चाहिए। बेलपत्र को चतुर्दशी, नौमी, पूर्णिमा, ये सब दिनों को बेलपत्र को नहीं तोड़ना चाहिए। अगर वीडियो पसंद है लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। महादेव आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। हर हर महादेव, घर घर महादेव।